बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किया जाने वाले आइडियल एग्जामिनेशंस के बारे में। बेसिकली ये जो एग्जामिनेशन है, ये CBCS सेमेस्टर पैटर्न 2023 या 2024 का है। इसके अंडर आपको अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के जो कोर्सेस है वो यहाँ पे दिए गए। ठीक है, टाइम दिया गया है और डेट दिया गया है, लेकिन इसके जो सब्जेक्ट्स वाइज है वो अभी तक आए नहीं है, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे की पॉइंट दिया गया, एग्जाम टाइम टेबल विल बी डिक्लेयर वेरी सून ऑन द आवर ऑफिशियल वेबसाइट, मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि वेबसाइट का यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक आपका सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल नहीं आया, सिर्फ आपको टाइम दे दिया गया है। ठीक है, और आपको डेट दे दिया गया है कि इसके बीच में आपके एग्जाम्स होंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो प्रोग्राम्स है, ठीक है, वो ऑफलाइन बेसिस पे होंगे, तो कौन से कोर्सेज किस डेट पे होंगे और उसके टाइमिंग क्या है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे सकते हो कि सेमेस्टर टू FIBA ओनली रिपीटर्स बच्चे। ठीक है, सेम उसी तरीके से मैं बता दूँ आपको FIBCOM, ठीक है, रिपीटर बच्चे सेम टू के, इनके जो टाइम टेबल्स है। और साथ ही साथ यहाँ पे SYBA रिपीटर्स, ठीक है, सेम फोर्थ, ठीक है, ये जो 1, 2, 3 देख रहे हो पॉइंट, इनके जो एग्जाम्स है वो मॉर्निंग में होंगे 11 AM से। ठीक है, और साथ ही साथ और एक कोर्स को ऐड कर लेते हैं हम, SYBCOM, मतलब आपका FIBA और FIBCOM साथ में होंगे। SYBA और SYBCOM सब साथ में होने वाले हैं आपके एग्जाम आइडियल के, रिपीटर बच्चों, ओनली रिपीटर्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, ये जो रिपीटर्स बच्चे उनके एग्जाम एक ही साथ होने वाले, मॉर्निंग 11 से लेके 2 PM तक, और डेट है उनका 6th of March। ठीक है, अभी टाइम है आपके लिए, तो 6th of March से लेके 14th of March तक आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो कंटिन्यूअसली एग्जाम्स होंगे, छुट्टी बहुत ही कम मिलेगी। बाई चांस संडे आ गया बीच में तो संडे की छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, और संडे तो आ ही जाएगा ऑब्वियसली। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट 5 से देखते हैं। ठीक है, सेमेस्टर 2 FIBAP, ठीक है, रिपीटर बच्चे हैं यहाँ पे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे FIBSC कंप्यूटर साइंस रिपीटर बच्चे, और SYBAP रिपीटर बच्चे, और SYBSC कंप्यूटर साइंस, इनके जो एग्जाम्स है वो यहाँ पे 15th of March से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 23rd of March तक चलेगा। इनका जो टाइम है वो बता दूँ, आफ्टरनून का टाइम दिया गया यहाँ पे 3 PM से लेके 6 PM तक का, 3 घंटे का सिर्फ आपका एग्जाम है, और आफ्टरनून का टाइम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 से लेके 11, सेमेस्टर 2 का यहाँ पे एग्जाम है FIBSC IT रिपीटर्स और PGDFM रिपीटर्स, और नेक्स्ट है यहाँ पे SYBSC IT रिपीटर्स। ठीक है, FIBSC IT और SYBSC IT सेम 2 और सेम 4 और PGDFM रिपीटर्स। ठीक है, इनके जो एग्जाम्स होंगे वो यहाँ पे 26th of March से लेके 1 अप्रैल तक एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। इसमें SYBSC IT का जो टाइम है वो आफ्टरनून यानी कि 3 PM से है, और जो FIBSC IT और PGDFM है वो उनका मॉर्निंग 11 से 2 PM तक है। ठीक है, और ये सेशन जो है वो जुलाई का सेशन है। ठीक है, जो जुलाई सेशन में बच्चे ने एडमिशन लिया हुआ है उनके लिए। नेक्स्ट थिंग, जो जनवरी सेशन में बच्चे ने एग्जाम अपना एडमिशन लिया हुआ है उनके भी एग्जाम टाइम टेबल यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हो कि FIBA और FIBCOM फेसेस और रिपीटर्स, ठीक है, जनवरी और दिसंबर सेशन के जो बच्चे हैं। सेमेस्टर सेकेंड है आपका FIBA और FIBCOM, ठीक है, फेसेस और रिपीटर्स, मॉर्निंग में 11 PM से लेके 11 AM से लेके 2 PM तक, और इनका जो डेट है वो 6th of March से लेके 14th of March तक का है। फिर नेक्स्ट है SYBA और SYBCOM सेमेस्टर 4th फेसेस एंड रिपीटर्स, मॉर्निंग 11 AM से लेके 2 PM तक, और जो डेट है वो 15th of March, ठीक है, 15 मार्च से स्टार्ट होंगे और 23 मार्च तक चलते रहेंगे। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि आपका अभी कम्प्लीटली टाइम टेबल नहीं आया हुआ है, ठीक है, जो आपका टाइम टेबल है वो बहुत ही जल्दी मुंबई यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर देगी, और जैसे ही डिक्लेयर करेगी मैं भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपको करना क्या है, टाइम टेबल के अपडेट के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बस मुझे आपको इतना अपडेट करना था, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।